हेलो गाइस, दिस इज आशीष प्राचर और आज का हमारा टॉपिक है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नेटवर्किंग के नज़रिए से, और बहुत ही आगे काम आने वाला प्रोटोकॉल है क्योंकि इसके हेल्प से ही आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रोटोकॉल को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम क्रिएट किए हुए हैं जिसके हेल्प से हमें इस प्रोटोकॉल को समझना है। तो मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम ए और एक सिस्टम वी है, दोनों एक स्विच से कनेक्टेड हैं और भी पीसीज कनेक्टेड हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो पैकेट है वो सिस्टम ए से लेकर सिस्टम वी पर मैं पैकेट ट्रांसमिट करना चाहता हूं। तो उसे ट्रांसमिट करने के लिए मेरे को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्टली मेरे को इस पीसीज का, जो हमारा कनेक्टेड पीसीज है जिससे हमें ट्रांसमिट करना है, उस पीसी का मैक एड्रेस पता होना चाहिए और उस पीसी का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस मेरे को पता है, इस पीसी का आईपी एड्रेस है 141.223.56.23। तो मुझे इस पीसी का आईपी एड्रेस तो पता है लेकिन मैक एड्रेस मुझे नहीं पता है। तो मैक एड्रेस मुझे पता करने के लिए मैं प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ करूँगा जिसे हम बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपका क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है आईपी एड्रेस टू मैक। अगर आपको आईपी एड्रेस पता है उसे, तो उसी डिवाइस का मैक एड्रेस आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआरपी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एआरपी में दो तरह की रिक्वेस्ट सेंड होती है। फर्स्टली रिक्वेस्ट होती है आपकी एआरपी रिक्वेस्ट, सेकेंड आपके रिप्लाई होता है एआरपी रिप्लाई। दो तरह के मैसेज सेंड होते हैं, एआरपी रिक्वेस्ट देन एआरपी रिप्लाई। तो फर्स्टली कम्युनिकेशन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली कम्युनिकेशन ऐसा होता है, जो सिस्टम ए है एक एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करता है। एआरपी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होती है, जितनी भी कनेक्टेड डिवाइस होती हैं सबके पास रिक्वेस्ट जाती है जो कि इस फॉर्म में होती है। जी मेरे पास ये फॉर्म है, इस फॉर्म में होती है। इसमें क्या होता है, सोर्स आईपी एड्रेस होता है। मान लीजिए सोर्स आईपी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सोर्स आईपी एड्रेस होता है और सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक। तो सोर्स आईपी एड्रेस मीन्स इस पीसीज का आईपी एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस मीन्स सोर्स का हमारा जिस पीसी से हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उस पीसी का मैक एड्रेस। उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मीन्स मैं इस सिस्टम बी से कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ तो डेस्टिनेशन का आईपी, डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक अगर हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे 00 पुट कर देंगे। सेकेंड टर्म्स हमारी जो सबके पास रिक्वेस्ट जाएगी, ये रिक्वेस्ट इस पीसी के पास भी जाएगी क्योंकि ये नेटवर्क टोपोलॉजी का पार्ट है। तो सबके पास रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट को सब एक्सेप्ट करेंगे और रिक्वेस्ट के अंदर जो मैसेज है वो सब चेक करेंगे, सोर्स आईपी चेक करेंगे। सोर्स आईपी में आईपी है इस पीसीज की आईपी, ये कम्युनिकेशन है सब चेक करेंगे। उसके बाद सोर्स मैक एड्रेस चेक करेंगे, वो उन्हें पता होगा कि इस डायरेक्टली टोपोलॉजी का पार्ट है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी चेक करेंगे। तो जैसे ही डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन मैक की वो टेबल चेक करेंगे, वो मैच करेंगे अपने डेस्टिनेशन अपने आईपी से और अपने मैक एड्रेस से। उसके बाद अगर उन्हें उनका आईपी मैच नहीं करेगा तो वो इस फ्रेम को इग्नोर करेंगे, उसके बाद ड्रॉप हो जाएगा मैसेज यहाँ पे। सेम केस इस केस के साथ होगा, इस पीसीज के साथ। उसके बाद सिस्टम बी के पास रिक्वेस्ट जाएगी, सिस्टम बी रिक्वेस्ट को प्रॉपरली एग्जामिन करेगा, प्रॉपरली चेक करेगा कि सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। जैसे ही सोर्स आईपी वो चेक करेगा कि 141.23.56.23 आईपी है, जो कि उसी कंप्यूटर का आईपी है, मींस उसका सेल्फ आईपी है, तो उसे पता चल जाएगा कि जो रिक्वेस्ट की गई है, एआरपी रिक्वेस्ट जो की गई है उसके ही लिए की गई है। तो वो क्या करेगा, अपना मैक एड्रेस ऐड करेगा रिक्वेस्ट में और रिप्लाई करेगा अपने डेस्टिनेशन को, डेस्टिनेशन मीन्स जो सिस्टम ए को। तो इस केस में सोर्स आईपी एड्रेस हमारा होगा इस पीसीज का आईपी, मीन्स सिस्टम बी का आईपी हमारा सोर्स आईपी होगा, सोर्स मैक जो कि इस पीसीज का मैक होगा जो पहले हम फाइंड आउट करना चाहते थे। उसके पास डेस्टिनेशन आईपी हमारा होगा सिस्टम ए का आईपी, डेस्टिनेशन मैक होगा हमारा सिस्टम ए का मैक। तो फर्स्टली आपका एआरपी रिप्लाई में क्या होता है, रिप्लाई में हमारा जो डेस्टिनेशन होता है वो एक मैसेज सेंड करता है
इसमें इन्फॉर्मेशन होती है अपने मैक एड्रेस की, सोर्स आईपी की, डेस्टिनेशन आईपी की और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की। रिक्वेस्ट में क्या, रिक्वेस्ट आपकी जो होती है ब्रॉडकास्ट होती है। रिक्वेस्ट आपकी अगर आप सिस्टम ए से सेंड करेंगे तो जितनी भी टोपोलॉजी कनेक्टेड है सबके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, लेकिन आपका जो रिप्लाई होगा, जो आपका एआरपी रिप्लाई होगा, वो ओनली उसी पीसीस के पास जाएगा जो जिससे कम्युनिकेशन, जो कि पहले टोपोलॉजी पहले रिक्वेस्ट का सोर्स था। मींस ये एक यूनिकास्ट होगा, ये किसी दूसरे पीसीस कनेक्टेड पीसीस पे नहीं जाएगी जो रिप्लाई होगा, ओनली उसी पीसी पे जाएगी जिससे पहले रिक्वेस्ट की गई थी। इसे हम एक टोपोलॉजी की लैब में करके समझ लेते हैं। मेरे पास एक लैब है जिसमें एक वायरलेस राउटर है जिसका आईपी है 192.168.0.1 और उससे तीन पीसीस कनेक्टेड हैं जिनका पर्टिकुलर आईपी मेंशन किया हुआ है। अगर मैं इस पीसी से इस राउटर को कम्युनिकेशन कराना चाहता हूँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मेरे को इस पीसी का आईपी है, मैं अपना आईपी पिंग कर रहा हूँ इस पीसी का 192.168.0. इस पीसी का आईपी है 100, पिंग हो रहा है। अब ईआरपी चेक करने के लिए कमांड होती है ईआरपी माइनस। अभी कोई भी ईआरपी एंट्री नहीं है। ईआरपी आपका जनरेट जब होगा जब आप किसी से कम्युनिकेशन कराना चाहेंगे, आप कोई भी पैकेट ट्रांसमिट किसी के साइड पे करेंगे। अब मैं एआरपी जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं पिंग करूँगा 192, जो कि अपने राउटर को पिंग करूँगा 192.168.0.1 जो कि राउटर का आईपी है। अब मैंने यहाँ पे पिंग किया तो मेरे को डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ तो पिंग हो गया। अब मैं एआरपी चेक करता हूँ ARP-A। तो अब मेरे पास एड्रेस दिखा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एआरपी में दिखा रहा है इंटरनेट का एड्रेस मेरे पास 192.168.0.1 दिखा रहा है, उस राउटर का मैक एड्रेस दिखा रहा है। इट मींस अगर मैं राउटर से बात करना चाहता है मेरा पीसीस, तो मुझे एआरपी के थ्रू उसका मैक एड्रेस भी पता चल रहा है, मेरे पास उसका आईपी है, आईपी के थ्रू मैक एड्रेस का भी रेजोल्यूशन हो रहा है, मैक एड्रेस का भी ट्रांसलेशन हो रहा है। तो इस हेल्प से अगर मैं दूसरे पीसीस से कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ, मैं मान लीजिए इस पीसी से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्टली इस आईपी को पिंग करूँगा। पिंग करने का मतलब है आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप पिंग रिक्वेस्ट कर रिप्लाई जो आएगा वो ब्रॉडकास्ट होगा सब में। मैं आपको समझाऊंगा पूरा प्रॉपर 192.168.0.102। मैंने पिंग किया, सेम टोपोलॉजी का पार्ट है, कम्युनिकेशन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ARP-A, अब मेरे पास यहाँ पे जो ऐड हो गया है 192.168.0.102 और उसका मैक एड्रेस। इस टोपो अगर हम किसी एक नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं तो हमें उस प्रॉपरली आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए और मैक एड्रेस, इस पीसी का हम मैक एड्रेस टेबल भी चेक कर सकते हैं प्रॉपर। मैक एड्रेस टेबल भी आपकी प्रॉपरली चेक हो रही है। अगर आप जिस पीसी से भी कम्युनिकेट करना चाहेंगे उस पीसी की एड्रेस आपकी एंट्री आपकी एआरपी कैच टेबल में होगी। इसे जो हम ARP-A कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ARP-Catch। ARP-Catch में आपकी एंट्री होगी प्रॉपर, जितना भी आईपी एड्रेस के साथ आपके आईपी एड्रेस की उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होगी, आपके एआरपी रिप्लाई की इन्फॉर्मेशन होगी, एआरपी रिक्वेस्ट होगा, एआरपी अनाउंसमेंट होगा, जो भी आपने किया हुआ है, पिंग किया हुआ है मान लीजिए, तो उसका प्रॉपरली डिटेल आपकी ARP-Catch में होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।